मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी। धराम जयगांव पुलिस ने मामले का किया खुलासा, तीन चोर हुए गिरफ्तार। मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में धराम जयगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें तीन चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मामला धराम जयगांव थाना अंतर्गत ग्राम सिसरिंगा का है, जहां मुख्य मार्ग के किनारे सोनू मोबाइल दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। 4 अप्रैल की रात्रि लगभग 2 बजे चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया था। सुबह जब मोबाइल दुकान संचालक दुकान खोलने गया तो दुकान को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब अंदर देखा तो नए पुराने मोबाइल सहित कुछ भी सामान नहीं था, जिसके बाद दुकानदार ने धराम जयगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद मुखबिर के माध्यम से चोरों की पतासाजी कर रही थी, जिस पर पुलिस ने संदेहियों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी हर्ष कुमार बंजारा, रवि बंजारा एवं प्रमोद कुमार बंसोड़ ने चोरी करना स्वीकार किया है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी हुए ज्यादातर सामान बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि एक आरोपी युवक ने चोरी के मोबाइल को बेच दिया था, जिसमें पुराने सिम कार्ड को निकालकर दूसरा सिम कार्ड डाला गया, जिससे फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धराम जयगढ़ दीपक मिश्र ने बताया कि इस घटना में सिसरिंगा गांव जो कि रघुवरन चौकी और धरमगढ़ थाने के बीच में स्थित है, घाटी के पास में, वहां पर स्थित एक मोबाइल दुकान सोनू मोबाइल दुकान, वहां पर ये चोरी हुई थी। घटना के समय पर लगभग सारा सामान जो विद्यार्थी थे वहां पर, उनका सामान था जो मोबाइल रखे हुए थे, नए और पुराने दोनों मोबाइल, साथ में स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इवन सीसीटीवी कैमरा मीडिया तक चोरी हो गया था। और क्योंकि ये क्षेत्र काफी जगह पर पड़ता है, तो कोई खास सीसीटीवी और उसकी मदद नहीं थी, मतलब इसमें नहीं मिल पाई थी। घटना के बाद में अपराध इसमें 4,380 का आईपीसी के तहत इसमें अपराध दर्ज किया गया था, और उसके बाद पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान हमने साइबर सेल की मदद ली, और साथ ही साथ इसमें हमने जो हमारे लोकल रिसोर्सेज थे, हमने मोबाइल का उनको सक्रिय किया, और विशेष टीम को चोरी के लिए इसमें लगाया था। तो जिसमें पतासाजी के दौरान हमें अलीगढ़ गांव के कुछ लोगों की इसमें बहुत पता चला, जिसके बाद इसमें खोजबीन करते हुए हमने 3 आरोपियों तक हम पहुंचे साइबर सेल की मदद से, जिसमें हर्ष कुमार बंजारा, रवि बंजारा और प्रमोद कुमार बंसोड़, ये तीनों अलीगढ़ थाना क्षेत्र अलीगढ़ गांव कापू थाना क्षेत्र के निवासी हैं, ये पकड़ में आए, जिनसे बाद में पता चला, हमने पूछताछ की, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, जो कि इन्होंने बताया कि घटना के 2 दिन पहले इन्होंने जाकर पहले देखी, रात में घूमने के दौरान उन्होंने शटर का ताला चेक किया कि ताला किसका कमजोर है, किसकी सुरक्षा कमजोर है। रेकी करने के बाद उन्होंने प्लान करके फिर 3 या 4 के बंगाली रात के लगभग 2-2.5 बजे के आसपास में इन्होंने मौका पाकर घेराबंदी करके इसको बड़े चालाके से इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में इन सभी से लगभग सारी पशुओं का जो चोरी गई उनको बराबर कर ली गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, ईवीआर और मोबाइल, नए पुराने मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, किया इस प्रकार काफी सारे सामान है, जो सारे के सारे बराबर किए गए हैं। इसमें बहुत बात समझ में आई कि विगत कुछ समय से इस प्रकार की छोटी मोटी चोरी होती थी और चोरी होने का हाथ होने की संभावना है। इस एंगल को लेकर भी अभी हमारी पूछताछ जारी है, इसमें भी पतासाजी जारी है, और एक मामला और इसमें संभवतः इसमें निकट भविष्य में खुल सकता है, जो दरभंगा क्षेत्र में ग्राम बहुतेगा की चोरी का एक मामला है, इसमें निकट भविष्य में खुल सकता है, उसकी भी इसमें पतासाजी में हमको कुछ पता चला है, सुराग मिले। घटना के तीनों आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद लैलुंगा थाने के ग्राम बगुडेगा में मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले में भी कुछ सुराग मिल सकते हैं। धराम जयगढ़ से भरतलाल साहू की रिपोर्ट।